ये खजूर के पेड़ से गाड़ी बनाते थे और उसको पूरा गांव के बच्चे हम गोल 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 पूरे चंडिका माता के चारों तरफ। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग? और मैं भी ठीक हूँ। और आज आ रखे हम चंडिका पूजा में यहाँ पे, जो हमारे गांव में हर वीडियो में दिखाती हूँ मैं कि यहाँ पे चंडिका माता का मंदिर है। तो चाची लोग आ रखे हैं ऋषिकेश से, तो उन्होंने पूजा रखी थी, तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पत्ते गिर रखे थे, तो यहाँ पे पहले सफाई कर रहे हैं आंगन की। और इसके बाद यहाँ पे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पानी साधना। आज मैं आपका हूँ शुभम। हेलो, पहला आइटम बताना आपको। आ रही इसकी आवाज़ होगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लो, जिसने करा सो कलेजे शुक्रिया, जिसने नहीं करा आराम से कर लेना एक साल बाद। ये ऐसे बेइज्जती कर रहे कि तारीफ कर रहे? जिसने नहीं करा कर लो यार, पैसे नहीं आ रहे, बहुत टाइम हो गया, डेढ़ साल से बना रहे वीडियो, कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा। ये मुझे ना बहुत सपोर्ट करते हैं दोनों के दोनों, वो तो मैं तुम्हें हर वीडियो में बताती हूँ। और ये मुझे बताते रहते हैं कि दीदी ऐसे करो वैसे करो। और इस बार इन्होंने मेरा वो काई मास्टर का लोगो भी हटा दिया। तो कल रात रिंकू ने किया कि मैं कर दीदी मैं करूँगा, मैंने कहा चलो ठीक है मुझे भी बता दो, तो इसने वो लोगो हटा दिया। अब देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, सच में बहुत बहुत हेल्प करते हैं दोनों को। हाँ नहीं, मैंने कहा ये हाँ वो तो गंदा ही लगता था ना, तो ये दोनों के दोनों बहुत हेल्प करते हैं मेरे की। जैसे मुझे कुछ नहीं आता, मैं इन दोनों को पूछती रहती हूँ, तो ये मुझे फटक से बता देते हैं। आपका वो क्या? ये तो इनका बड़कपन है। आपका वो क्या है उसके लिए? शार्क टैंक आपका ये चैनल को के लिए आपका फ्यूचर में पर्पज क्या? मेरे को ये चैनल को आगे इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचाना है, अपने गांव की संस्कृति को मैं ले पाऊंगा। बोल रहा है थोड़ा बहुत, क्या बोल रहा है? पापा जी ने सफाई कर दिया आंगन की, बहुत सबसे सबसे गिर रहे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पारी साधना। और मैं हूँ आपका होस्ट शुभम। आज मैंने हैंडओवर लिया है इनसे। आज की वीडियो ना रिंकू बनाएगा जहाँ तक हो सके। तो आज हम लोग आए हैं पूजा कर रहे हैं। वीडियो दिन दुगनी रात चौगनी करे, आशीर्वाद दी ले। हम जब गांव में थे, छोटे बच्चे थे जब गांव में, तो सब लोग इकट्ठे होकर के ये खजूर के पेड़ से गाड़ी बनाते थे और उसको पूरा गांव के बच्चे हम गोल 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 पूरे चंडिका माता के चारों तरफ घूमते थे और पूरे घूम घाम करके यहाँ पे फिर कूदते थे यहाँ पे। तो यहाँ पर पहले यज्ञ होता था, तो यज्ञ में जो है हम उसको कूदते थे ऐसे, यहाँ पे आवाज़ आती थी ऐसे करके कूदते थे।
आवाज आती थी तो हमें मालूम नहीं था कि क्या था यहाँ पे। बाद में लोग बताते थे कि यहाँ पे जो है कुंड यज्ञ कुंड होता था, इसलिए वो आवाज आती है यहाँ पर। ये पेड़ जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको म्यू का पेड़, तो इसमें चढ़ के म्यू खाते थे हम। पूरे गांव के बच्चे खेलते थे और लकड़ी के गाड़ी के पहिए बनाते, पूरे उसके राउंड भी मारते थे, यहीं पे आते थे हम खेलने के लिए। तो यहाँ पे ना चाचा अपनी बातें बता रहे थे मुझे कि ना हम ऐसे करते थे बचपन में, जब हम छोटे छोटे थे तो हम यहाँ पे आते थे, ऐसे करते थे वैसे करते थे। मैंने कहा कोई नहीं, मेमोरी सेव कर लेते हैं, कभी जब आप देखोगे तो फिर सोचेंगे हम बचपन। जब अपने मायके में आते हैं ना तो सच में बचपन याद आते हैं और खुद हम बच्चे बन जाते हैं। चाचा भी बच्चे बन गए इस टाइम। हाँ, तो अपने मायके में आके बच्चे बन गए। तो चाचा ने भी यहाँ पे अपनी बचपन की व्यथा सुना। हाँ, गढ़वाई भी समझ में आनी होगी ना, हम गढ़वाई में नहीं बोली हूँ ना, सॉरी। हमने यहाँ पे बीच पे बना रखी, तो ऐसे चढ़ाई चढ़ के हम नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे ये यात्री लोग भी जा रहे हैं, यात्री लोग यात्री आ गए। तो ऐसे करके हम नीचे जा रहे हैं, काली माता के मंदिर में जा रहे हैं हम यहाँ से। ये है रास्ता शॉर्टकट और ऐसे ही जोरों शोरों से यहाँ काम चल रहा है। तो ये बग्गड़ था यहाँ पे, पहले हम बग्गड़ बोलते थे कि हम बग्गड़ जा रहे हैं। तो पहले भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खेती थी इस साइड, दादी लोगों के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती थी, उस समय बहुत ज़्यादा खेती थी। पर जब हम मम्मी लोग यार हमारा टाइम पे हमने तो नहीं देखा यहाँ पे खेती, पर पहले मेरे पापा लोग बोलते थे कि यहाँ पे हमारे टाइम पे हमने हल लगाया, खेती बाड़ी की पूरी यहाँ से और यहाँ तक। ये पूरा बग्गड़ के इस नाम को यहाँ पे बग्गड़ के नाम से जाना जाता है। इतना पीछे छूट गए हूँ, फिर वो आगे भाग गए हैं। तो ऐसा है रास्ता। और भाभी जी ना बिना कंडी के कहीं नहीं जाते, ऐसे होते हैं किसान लोग। तो वो कहते हैं ना, हम जब तक हमारी पीठ में कंडी नहीं होती है तब तक हमें सज नहीं आता, मतलब अच्छा नहीं लगता है। जो वो कहीं भी जाते हैं उनके हाथ में दरांती या कंडी रहते हैं, तो किसान लोगों की पहचान होती है ये। हाँ, सब्जी भी बनती है, मतलब फ्रेंड्स वाले ना दही के साथ बनाते इसकी। अच्छा, सब्जी। तो कब जाना तुम आज मंदिर में? आज हम काली मंदिर, अपनी काली माता के मंदिर में जा। पहले हम लोगों की खेती है पूरी, हमारे ये सब हमारे देने वाले मुझे मिले। हमारे यहाँ खेती थी ना, हमें हम लोगों को कुछ नहीं मिला, जिस हिसाब से यहाँ पर खेती थी है ना। हाँ, उस हिसाब से खेती थी हम लोगों की, बहुत उपजाऊ खेती थी। धनिया और तेल वगैरह सब हम अपने खेत से लगता है, वो हमारा। और ये आलू सब चीज नहीं होती थी, साग सब्जी पूरी, मतलब खेत, मतलब हम लोग ना तेल लाते ही नहीं थे मार्केट से, सरसों हो जाते थे। अब हम लोग को ये हो रहा है, दो तीन पीढ़ी तो खाएगी, उसके बाद पता नहीं क्या खाएगी, आगे की पीढ़ी की थोड़ा दिक्कत है। बच्चे काबिल नहीं होंगे तो भूखा मरने के, वो हमारे इधर अब कुछ नहीं है, इधर खेती तो सारी चले गई। अरे किसान बुआरी है, जहाँ जाएगी कंडा लेके जाती है। ये हमारी बहू है, ये इसको नहीं छोड़ती कभी भी। ये तो भाभी के हाथ में कंडी रहती है या तो दरांती रहती है। आज मैं साथ घूमने का आनंद लूंगी। आनंद का मजा तब आता है जब कंडी घर में रहती है ना। अरे कंडी ने उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। अरे हम घर में रहने वाले, बिना कंडी के खाली जाना भी अच्छा नहीं लगता। आप लोग फटाफट इसको सब्सक्राइब करो और इसका चैनल आगे बढ़ाओ भाई, फटाफट व्यूज बनी बन रहे ज्यादा, फटाफट बनाओ, सब जो भी जानते हैं सब फटाफट बनाओ, फटाफट अंगूठा लगाइए आगे बढ़ाइए। और क्या पहाड़ी साधना, मैं आ रखी थी गांव में और चाची ने सुना कि साधना भी जा रखी है साथ, और मेरे ब्लॉग में आने के लिए चाची ऋषिकेश से गांव आई है ना चाची। और क्या, हाँ इतने भाग भाग के आई मैं कि मुझे भी साधना, 4 साल बाद आई मैं इसकी ब्लॉग के चक्कर में। हम लोग करो थोड़ा एक बटन तो दबा और वीडियो देखो पूरी, जो भी मेरे फ्रेंड है या इसके फ्रेंड है सब, खाली मत देखो ना पूरी देखो, आधा देखे ये साधना के बंद कर देते हैं। समझदार हो, कितना प्यारा देखना, इतना प्यारा घर बैठे देख रहे तुम सीन। तो ये मेरे सारे भतीजे हैं, ये सारे मेरी वीडियो देखते हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो ये पहुंच चुके हम काली माता के मंदिर में। जय हो काली माता। मेरे YouTube फैमिली पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। और ये है काली माता का मंदिर। पहले यहाँ पे थोड़ा से ऐसे ही था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था मंदिर, तो अब यहाँ पे इस प्रकार से बनाया गया है। और नदी का व्यू देख सकते हैं आप, कितना सुंदर लग रहा है। मेरे
दोनों भाई चले गए वहाँ। हम आपको भगवान जी बैठे हाँ सही बात। तो यहाँ पर ना हमारी ही खेती थे, यहाँ पे चाचा जी भी कह रहे कि तुम्हारी खेती थी यहाँ पे, और देखो आज तुम्हारी खेती में कितना अच्छा माता जी का मंदिर बना है। तो हमारे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये पहुँच चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं माता का मंदिर है, और ये है अलकनंदा नदी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज भी बहुत सुंदर और बहुत बड़ा बन रखा है अलकनंदा के। कितना खूबसूरत नजारा, जल कितना शांत लग रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नीचे आ जाओ कि। तो यहाँ पे पहले फोटो फोटो शूटिंग चल रही है यहाँ पे। रिंकू कह रहे मेरे फोटो, तो यहाँ पे ना कोई इधर जा रहा, कोई कह रहा मेरी वहाँ फोटो खींचो, कोई कह रहा मेरी यहाँ फोटो खींचो। तो हमारा फोटोग्राफर ही है यहाँ पे। अब पीछे ना लड़की बाबू था। कैसा लगा रिंकू को यहाँ पे? बहुत अच्छा ना, और कुछ स्पीचलेस है ना, मंत्र लोग हो चुके हैं सब यहाँ पर। हाँ, कुछ बोलने का मन नहीं, मजा आ रहा है यहाँ पे, घर जाने का मन नहीं कर रहा, क्या करें घर के लिए। काली माता, माता ए माता, जोर से बोलो, प्यार से बोलो। चाचा जी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, और हम भी यहाँ पर माता के लिए थोड़ा पूजा में कर जाते हैं। जय काली माता, जय माता रानी। इसके चैनल से सब्सक्राइब करो ये सबसे, तो माता यात्रा आएंगे आपका। तो यहाँ पर है काली माता का मंदिर जो अभी आपने दिखाया, और यहाँ पे है भैरवनाथ का मंदिर। तो यहाँ पे ना ताला लगा है, यहाँ तो नहीं है अंदर, तो यहाँ पे ताला लगा है। यहाँ पर किसी ने अभी धूप अगरबत्ती की है, जय भैरवनाथ जी की जय हो। तो यहाँ पे ना अभी ताला लगा है, तो हम बाहर ही से ही हाथ जोड़ेंगे भगवान जी को जय भैरवनाथ। जब हम छोटे थे ना, यो हमारे अपने टेम्पर रूपड़ी लगाएंगे, आज वो कायाकल्प हो गए, पता ही नहीं चलो। ये काली मंदिर बनी फसला बहुत सुंदर लग रहा, बहुत अच्छा मंदिर बने, और जो भी कोई लोग अंदर से जरूर दर्शन करेंगे। हमारे गाँव के मतलब ग्राम सभा की पूरी ना देवी है।